नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सिंह सदर, आप देख रहे हो स्मार्ट यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ गोरखपुर मेट्रो के बारे में, क्योंकि हाल ही फिलहाल में दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दोस्तों जल्द ही मेट्रो का काम चालू होना चाहिए, यानी जल्द ही दोस्तों मेट्रो का काम चालू हो जाएगा और इसका जो DPR है वो भी पूरा हो गया है और जो दोस्तों केंद्र सरकार से मंजूरी मिली वो भी मिल चुका है, केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल चुका है और राज्य सरकार से भी मंजूरी मिल चुका है। और DPR जो जिसे डिटेल रिपोर्ट DPR सॉरी गाइस DPR मींस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो भी आ चुका है। तो दोस्तों जल्द ही दोस्तों गोरखपुर में मेट्रो का काम, लाइट मेट्रो का काम चालू होने वाला है और दोस्तों ये खुशखबरी की बात है, क्योंकि दोस्तों गोरखपुर में लाइट मेट्रो का प्रस्तावित बहुत दिनों से चल रहा है बट अभी पूरा नहीं हो पाया, बट कुछ ही दिनों में दोस्तों अब देखते हैं कब चालू होता है, बट 6 महीने के अंदर दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 6 महीने के अंदर आपको कि मेट्रो का काम चालू हो जाएगा दोस्तों, जो कि दो फेजों में दोस्तों मेट्रो का काम चालू होगा। एक दो दोस्तों है वो श्याम नगर से दोस्तों जो गोरखनाथ साइड है श्याम नगर से गाइज वो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी तक और दूसरा दोस्तों जो है आपका एक गुलहरिया से पारित हुआ है और वो जाएगा नौसठ तक। दोस्तों इस मेट्रो रेल परियोजना में दोस्तों 4590 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसमें से दोस्तों केंद्र सरकार 796 करोड़ और राज्य सरकार 1607 करोड़ रुपए देगी और इसके अलावा दोस्तों 2187 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से की जाएगी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परियोजना शुरू करने का रास्ता साफ हो गया गाइस, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस मेट्रो में दोस्तों आपको 3 कोच देखने को मिलेगा जिसमें आप लगभग 400 लोग सफ़र कर सकेंगे। दोस्तों गोरखपुर मेट्रो लाइट सभी प्रमुख स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करेगी, जिसमें आपका रेलवे स्टेशन हो गया, एम्स हो गया और MMM हो गया, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हो गया, मार्केट एरिया हो गया मोहद्दीपुर का जो है और आपका गोरखपुर हवाई अड्डा भी पास में कॉरिडोर 1 के नज़दीक ही होगा गाइज। और यहाँ पर देख सकते हैं आप मैप की सहायता से दोस्तों श्याम नगर से आपका मदन मोहन मालवीय इंजीनियर कॉलेज तक है जो 15.14 किलोमीटर का है और आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है गाइज। और दोस्तों श्याम नगर से शास्त्री नगर और गोरखनाथ मंदिर जिसमें और धर्मशाला और गोरखपुर रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी, रामगढ़ ताल, एम्स, मदन मोहन मालवीय इंजीनियर कॉलेज। और दोस्तों दूसरा जो फेज है आपका वो है आपका VID मेडिकल से। अब दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, मेरे को तो जहाँ तक पता है वो गुलहरिया से बनेगा बट देखते हैं मेडिकल कॉलेज से बनता है। यहाँ पर दोस्तों शो हो रहा है मेडिकल कॉलेज से बट गुलहरिया से पारित है जहाँ तक मेरे को लगता है, जिसमें मुगलहा VID मेडिकल कॉलेज, मुगलहा खजांची बाज़ार, बसालतपुर, अशोक नगर, असुरन चौक, धर्मशाला, गोलघर और जो है दोस्तों प्रमुख नौसठ तक आपका जाएगा जिसमें खजांची बाज़ार और धर्मशाला ये सब आपको देखने को मिलेगा, कचहरी चौराहा, ट्रांसपोर्ट नगर, यहाँ पर जो वीडियो में दिखाया जा रहा है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इसका इंटरचेंज जो होगा जिसमें आपको यानी फेज 1 से फेज 2 में जाना रहेगा आपको, तो इसका इंटरचेंज धर्मशाला के पास बनाया जाएगा और दोस्तों इसका जो 4 साल के अंदर काम पूरा करने का जो हुआ है और दोस्तों जल्द ही आपको देखने को मिलेगा इस पर काम चालू हो जाएगा। तो मैं आपको वीडियो को अपडेट करता रहूँगा और देखते हैं कब तक काम चालू होने वाला है। और दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी मेट्रो आपको मिलेगा देखने को इसके काम चालू होने